ये आम का सार है, इधर का ये बड़ा सार है, ये छोटा सार है। ओके ठीक है। इरा का पेमेंट देखे मिनिमम इसका अंडर में 6 से 7 लोग काम ही करते हैं। सभी लोग का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। अभी सुबह का 3:30 हो रहा है, हम लोग अभी ड्यूटी जाएंगे, अपार्टमेंट में जाते हैं कार वॉश के लिए, तो ये डेली इतना टाइम में जाना पड़ता है। अभी सभी तरफ साइलेंट है, देख लो बस गाली देख लो, सभी तरफ साइलेंट है। मेरा फ्रेंड लोग इधर से आएगा, दिखा देंगे आज कौन सा अपार्टमेंट में जाते हैं हम लोग। अंत तक वीडियो में बने रहना। ये रोड इतना भीड़ रहता है सुबह सुबह, अभी देखो कोई नहीं है, जस्ट एक ऑटो दिख रहा है, इतना भीड़ रहता है ना, इतना सुबह सुबह आना पड़ता है गाइस। देख लो अंधेरा है, कोई भी, सभी तरफ साइलेंट है, जस्ट वो कुत्ता दिखाई देता है, दौड़ाते रहता है हम लोग को। ये देखो और थोड़ा देर में दौड़ाता था ये हम लोग को, इधर में तो लाइट ही नहीं है दोस्त, देखो कितना अंधेरा है, देखो बारिश दे रहा था। देखो ये देखो भाई, ये है एंट्री गेट, पहुंच गया है, अभी एंट्री करेंगे और अंदर जाएंगे। अभी एंट्री कर रहे हैं, 19 1 9 7 2 4 एंट्री भी हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस। फुल सुबह सुबह का टाइम था, इतना कुत्ता भी दौड़ आया था, अभी आ रहे हैं, यही है अपार्टमेंट, आप लोग को दिखा देंगे। ये क्लब हाउस है, इतना सुबह सुबह डेली आना पड़ता है यार, इतना अच्छा सोने का टाइम में, कितना अच्छा नींद आता है सुबह सुबह, आप लोग को तो पता होगा, अभी तो गांव में सभी लोग सोया हुआ होगा, हम लोग का तो ये बाहर का ज़िंदगी ऐसे ही है, क्या करें, ऑप्शन नहीं है, आना पड़ता है। देख लो हम लोग बेसमेंट में जाएंगे, अभी दिखा देंगे बेसमेंट कैसा है इधर का। अभी सभी लोग भाग हो गया, ये है गाइस बेसमेंट, देख लो ये सब गाड़ी से क्लीन करना पड़ता है। उतना मतलब फुल वाटर वॉश करना नहीं पड़ता है, जस्ट मतलब डस्ट वगैरह निकल के वैसा, तो क्लीन करने के लिए तो सर्विस सेंटर में जाते हैं, जैसे कि सर्विस सेंटर में जाते हैं ना हम लोग, उन लोग नहीं जाके हम लोग ही डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि ये सभी गाड़ी सभी ऑफिस जाने गाड़ी वाला है, तो अभी ये 7 बजे से निकलना शुरू हो जाएगा ये सब गाड़ी, इसलिए सुबह आना पड़ता है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कार क्लीनिंग के लिए, हाँ हम लोग आते हैं। तो गैस बाल्टी में पानी भरना शुरू कर दे, अभी देख लो गैस, पहले से डस्ट निकलते हैं हम लोग, ऐसे डस्ट निकल के सभी के ऐसे डस्ट निकलते हैं, फुल खत्म पूरा वो हो गया है, मिट्टी मिट्टी देखो, ये धोना पड़ता है। देखो बस कितना गंदा रहता है, देखो अभी बारिश का सीजन है ना,
अभी हम लोग बेंगलोर में है ना, अभी हम लोग सर्विस सेंटर तो खोल नहीं सकते, इसलिए डायरेक्ट अपार्टमेंट में कांटेक्ट करते हैं। पहले बेंगलोर में आया था ना गाइस, इसका इधर मैं काम करता हूँ। ये दिखने में कारवास कर रहा है लेकिन बहुत इनकम करता है यार, मिनिमम 80 से 90, वो भी पेमेंट देके, वो भी हाजिरा का पेमेंट देके। मिनिमम इसका अंडर में 6 से 7 लोग काम ही करता है। दिखने में सिंपल है ना, बहुत आइडिया है यार। ये अपार्टमेंट में तो करता है करता है, और दूसरा जगह में भी करता है ये। इसका अंडर में इतना लोग है ना, पता नहीं। ये तो टाइम पास के लिए आया है, जस्ट कौन क्या काम कर रहा है वही देखने के लिए आया है ये। सभी लोग कारवास लोग है यार, देखो सभी लोग कारवास है। उसका ही लड़का, उसका ही आदमी है, उसका ही है, इसका ही है, देखो सभी उसका ही है, ये सब सभी उसका ही है। वो उधर में और कर ही रहा है, मिनिमम 350-400 गाड़ी है। इसका व्यू अच्छा है गाइस, पूरा 15 फ्लोर पर। ये बेसमेंट 2 है, ये 1 है। देखो सफारी क्लीन हो गया। देखो गाइस 3:30 बजे आए थे, अभी जा रहे हैं, अभी और खाना वाना खा के और निकलना है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, देखो कुछ भी दिखाई नहीं देता था ना सुबह, अभी देखो कितना धूप आ गया। अभी लगभग 12:30 हो गया शायद। कितना हो गया टाइम भाई? अभी जा रहे हैं हम लोग, अभी जाके खाना वाना खा के रेस्ट करके फिर जाना है। ये बाहर का व्यू था, देख लो। ये सभी लोग ऑनर है, हम लोग को ऐसा गाली देगा ना, वीडियो बना रहे हैं हम लोग। आप सोयाबीन लाने कैसे? हानि भी है देखो, हाँ मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखो भाई, देखा ना, ये हानि भी है, मधु है, मधु हम लोग का कॉमन लैंग्वेज में मधु बोलते हैं। ये क्लब हाउस है, इसका बिल्डिंग कुछ ऐसा है गाइस, देख लो। ये पीछे साइड का है, मैं आगे साइड का आप लोग को दिखा दूंगा। ये पीछे का है देखो, ये उससे छोटा है। इधर में भी हम लोग कार क्लीनिंग करते हैं, कार क्लीनिंग कर रहे हैं। इधर में हम लोग का अकेला कॉन्ट्रैक्ट लिया है ये बिल्डिंग में। मेरा एंट्री भी नहीं किया है गाइस इन लोग, इसलिए एंट्री करने के लिए आया हूँ। देख लेना, ये हम लोग का इधर का, हम लोग का सार लोग है, ये हम लोग का सार है इधर का। ये बड़ा सार है, ये छोटा सार है। ओके ठीक है, एंट्री नहीं किया है। ये इसका आगे का व्यू, ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट है। इधर भी हम लोग अकेला है कार क्लीनिंग करने वाला। फाइनली गाइस, जीआर सागर निवास में कारवास ख़त्म हो गया। अभी हम लोग दूसरा अपार्टमेंट जा रहा है। तो गाइस एंट्री कर दिया, अभी दूसरा अपार्टमेंट में आ गया हूँ। देख लो इधर का व्यू जैसा है, बहुत बड़ा है यार, देख लो। अभी रात का 9 बज गया, अभी जा रहा हूँ। अभी करते करते शायद 11 हो जाएगा, उसके बाद ही रूम में जाएगा। यही है गैस जिंदगी बाहर का, ऐसा ही है। मस्त है यार जगह, देख लो गैस। ये है महावीर रंचेस, नहीं इसका व्यू सभी वीडियो अच्छा से बना के डाल दिया हूँ, आप लोग देख लेना। वहाँ भी रेंचेस बोल के सर्च करने से आप लोग को मिल जाएगा ये अपार्टमेंट हमारे में। ये महावीर का नाइट का व्यू है गाइस,
कुछ ऐसा दिखता है, देख लो ऊपर में हो गया, अभी नीचे बेसमेंट में जाएंगे। तो गाइस फाइनली हो गया, अभी महावीर रेंजेस से जा रहा हूँ रूम, सुबह और आना है। तो ये था दोस्त मेरा डेली रूटीन, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? तो गाइस अभी रात का 11 बजने वाला है, मैं अभी ड्यूटी से आया, पूरा स्नान किया, अभी खाना खा रहा हूँ, सुबह और 4 बजे को जाना है। यही था गाइस बेंगलोर का डेली रूटीन, कैसा लगा बताना कमेंट में। तो गाइस आज का मेरा डेली रूटीन के बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया, मेरा बेंगलोर का डेली का रूटीन यही है, सुबह 3:30 बजे उठो, ड्यूटी जाओ, अभी लगभग 11 बजने वाला है और सुबह 3:30-4 बजे उठना पड़ेगा। तो ये अच्छा रूल्स नहीं है, क्योंकि मेरा अभी हैबिट हो गया बोल के मैं सक रहा हूँ, मैक्सिमम लोग को 8 आवर्स तो सोना ही चाहिए, तो बीमार हो जाएगा। तो गाइस आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सेंड करना, और ज़्यादा पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर करना, और इसी तरह का वीडियो आप लोग को देते रहूँगा। तो इतना बोल के सभी लोग को नमस्कार।